बोलने के लिए कुछ हम बोल नहीं पा रहे हैं कि मेरा सर इतना बड़ा पार्टी में हम आ गए हैं, अब कुछ बता नहीं सकते हैं, इतना खुशी है जाके आज हमको मोकामा में जाके उतरना है, आज से शुरू कर जनता का आशीर्वाद लेना है और शुरू कर देना है। और कुछ नहीं कहेंगे, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और देखिए लगातार जो बातें हमने पहले भी कही थी कि बीजेपी से टिकट मिलेगा सोनम देवी को, सोनम देवी खुद हैं सर, मैडम आप यहाँ आई थी, आज आपको टिकट भी मिल गया है और आज से आप चुनावी दौरा भी शुरू करेंगी, क्या कुछ अहम रहेगा और क्या मुद्दे रहेंगे? जी धन्यवाद। पहले तो चुनावी मुद्दा आज से नहीं होगा, 2005 ही से दौरा कर रहे हैं जी। ये तो बहुत बड़ा, मैंने अब बोलने के लिए कुछ हम बोल नहीं पा रहे हैं कि मेरा सर इतना बड़ा पार्टी में हम आ गए हैं, अब कुछ बता नहीं सकते हैं, इतना खुशी है। और कुछ नहीं कहेंगे, हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, आपने मुलाकात भी की अंदर, भीखू भाई भी थे अंदर, क्या कुछ आपको बताया गया है कि आगे क्या करना है, क्या रणनीति है? जो भी है बहुत कुछ बताए हैं, समझ गए हैं, जाके आज हमको मोकामा में जाके उतरना है, आज से शुरू कर जनता का आशीर्वाद लेना और शुरू कर देना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। देखिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, सोनम देवी की जो बात है वो भी हो रही है, चारों तरफ देख रहे हैं किस तरीके से जो सोनम देवी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, चारों तरफ देखिए बीजेपी में जो है वो नज़र आ रहा है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इसी के साथ कि किस तरीके से जब आज शुरुआत हुई है, आज ही सिम्बॉल मिला है सोनम देवी को और आज से शुरुआत जो है यहाँ से शुरू हो चुकी है, अब मोकामा तक बात जाना है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सोनम देवी प्रदेश कार्यालय पहुँची, वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अंदर माला अर्पण भी किया है, टिकट भी मिला है, सिम्बॉल भी मिला है और आज से चुनावी दौरा जो है उनका शुरू हो जाएगा। हालाँकि देखिए विपक्ष की बात कर लें तो नीलम देवी हैं वहाँ से, बाहुबली विधायक रह चुके हैं रण सिंह, उनकी धर्मपत्नी, और जो शुरुआत है वो यहाँ हो गई है। और अब ये भी देखना होगा कि ये शुरुआत कितनी आगे जाती है, क्योंकि एक तरफ जहां पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह की धर्मपत्नी खड़ी हैं, 32 साल का शासनकाल उनका रहा है, हमने पहले भी ललन सिंह से बात की है, उन्होंने भी साफ कहा है कि आने वाला समय जो होगा अब बीजेपी का होगा, बीजेपी कई सालों बाद जो है अब वहां पर उन्हें टिकट मिला है, यानी कि सिम्बॉल पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। और इस बार जब बाई इलेक्शन है तो ये भी देखना होगा कि क्या कुछ बिहार में देखने को मिलता है, क्योंकि दो सीटों पर उपचुनाव है, गोपालगंज और मोकामा। मोकामा हॉट सीट है, बाहुबलियों का क्षेत्र है, सवर्ण जाति के लोग हैं वहाँ सबसे ज़्यादा, और ऐसे में दो सवर्ण जाति के नेता जो हैं बड़े नेता माने जाते हैं मोकामा से एक साथ उतर गए हैं। अब देखना है कि कौन जीतता है, महागठबंधन या फिर बीजेपी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने के लिए कुछ हम बोल नहीं पा रहे हैं कि मेरा सर इतना बड़ा पार्टी में हम आ गए हैं, अब कुछ बता नहीं सकते हैं, इतना खुशी है जाके आज हमको मोकामा में जाके उतरना है, आज से शुरू कर जनता का आशीर्वाद लेना है और शुरू कर देना है। और कुछ नहीं कहेंगे, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी।